इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले इकतदार के मसनद पे बैठने के ख्वाब देख रही है। वो ये समझती है कि इंतखाबात के बाद बारी फिर से हमारी आनी है और वो उसी तरीके से तैयारियों को तशकील दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे भी एक बड़ी सीट की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसी इसना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो बिजनेसमैन पैनल्स, ये सरमायाकार पाकिस्तान के, इनसे जरदारी साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, तो उसके बाद से तासुर अब ये आना शुरू हुआ है कि अगला इकतदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल होगा। तो आप वो बताइए कि किन बुनियादों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला इकतदार देख रही है। भाई, इकतदार तो देने वाली अल्लाह की जात है और उसी के करम और उसके बाद अवाम है। आम जिसको पसंद करेंगे, अपने हुकूमत, अपने हुकूमत करने का हक जिसे देंगे, उसी को हक हासिल होगा। जहाँ तल्लुक है नून लीग के पंजाब में हुकूमत करने का, तो वो पंजाब की हुक्मरान रही है और वो किसी को भी पंजाब से हुकूमत करने का हकदार नहीं समझती। और ये वो एक सियासी पार्टी के हक है जो बने, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है पंजाब में, जो नून लीग की तब्दीली सूरत हाल है, जो बाकी है, तो सब आप जानते हैं। लेकिन मैं कभी दूसरी जमात तबसरा नहीं करता। हम भी सियासी पार्टी है, हमें भी हक हासिल होता है कि अगर हम सियासी काम करें तो हुकूमत ही सियासी पार्टी हुकूमत ही चाहेगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि उसमें मुआशी बहरान है और इसका कोई तदारुक नहीं कर पा रहा, इस पर कोई बात नहीं कर पा रहा। जरदारी साहब बड़ी जुरत के साथ तबसरा कर रहे हैं, बड़ी जुरत के साथ तजिया कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ये बहरान हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए वो तकब्बुर कर रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये हालात बताएंगे कि किसे हुकूमत मिलेगी। लेकिन इस मुल्क का जो माशी बहरान है, यकीनन उससे और कोई सियासी पार्टी बात कर ही नहीं रही सवाय आसमान साहब के। चैटियो साहब, आपने कहा कि जरदारी, कोई शक नहीं का आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी जुड़तमंदाना तरीके से बात भी की, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैनों को इकट्ठा भी किया, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर भी बात की। अब बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म हैं और आसिफ अली जरदारी साहब अगले सदर हैं। पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा यही बातें कह रहे हैं और कल आपके जब बजट पेश हुआ सिंध में, उसमें भी यही बात हुई। मुस्लिम लीग नून इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने आज अपनी इलेक्शन कम्पेन भी शुरू कर दी है और उस इलेक्शन कम्पेन पे वो नारा वज़ीर आज़म अपना लगा रहे हैं, वज़ीर आला का वो फाइनल कर चुके हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं फिर कह दूँ ये नून लीग ने कभी किसी और के हक में पंजाब पे कबूल ही नहीं किया, लेकिन हालात इतने तब्दील हो चुके हैं, उनको खुद भी एहसास हो गया है। पीटीआई के बाद भी, खुद उनके इकदार के आखिरी दिनों में भी हालात कुछ और हो गए हैं। मैं भी अगर पुराने हालात पर बैठ कर तजिया करूँ कि पूरा पंजाब हम जीतते रहे, तो क्या भी गलत होगा। अब हालात ठीक हो चुके हैं, जरदारी साहब की पोजीशन किसी और किस्म की है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म है और सदर जरदारी साहब बनेंगे, एक साथ दोनों का समझ में नहीं आती है मेरी बात। और ना हमें ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, हम रखते हैं कि पाकिस्तान को बहरान से कैसे निकाला जाएगा, पाकिस्तान को इस बहरान से कौन निकालेगा। एक बात गवाही में ले देता हूँ कि ज़ियाउल्लाह की 10 साल तबाही के बाद पीपल्स पार्टी के जिम्मे ये काम आया कि वो गंद साफ करे। मुशर्रफ की 10 साल मुसीबतों के बाद पीपल्स पार्टी के हिस्से में ये काम आया कि वो ठीक करे। हर 10 साल के बाद जो आमरतें गंद छोड़ जाती हैं, उनको सफाई करने का, उसको साफ करने का जिम्मा अल्लाह ताला और आवाम पीपल्स पार्टी को देते हैं। इस बार भी इतना ही गंदगी की हुई है माशी तौर पर, सियासी तौर पर, के पूरे जमाने में और उससे पहले। हालात क्या बताते हैं, क्या करेंगे, मैं इस खुशफहमी में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला अगर हमें ताकत है पाकिस्तान को बहरान से निकालने की, तो अपने हबीब के सबसे रहम करें, हमें जिम्मेदारी दी जाए अल्लाह की तरफ से कि हम वो गंद साफ करें और माशी बहरान दूर करें। लेकिन अगर किसी के और के हाथ पे ये कोई कारनामा लिखा हुआ है, तो उसकी कामयाबी भी मेरी कामयाबी है। अच्छा मौला बख्श साहब, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी ये हक किसी और पार्टी को नहीं दिया कि पंजाब के अंदर बरसर इकतदार देख सके, तो क्या आप इतनी स्पेस सिंध के अंदर देंगे किसी और पार्टी? हमने कभी भी, पीटीआई ने भी कोशिश की, एमक्यूएम ने कोशिश की, एमक्यूएम ने तो पूरा पूरा हिस्सा लिया, एंजॉय भी किया। अभी पीटीआई ने
एमसीएम के हिस्से पर बड़ी खूब मोदी की हैं, खूब गालियां दी हैं पीपुल्स पार्टी को और पीपुल्स पार्टी की क्यादत को। अब कहाँ है वो, अब कहाँ है वो आदमी जो गालियां देता फिर रहा था, कभी हमारा एडवाइजर रहा, फिर अभी पीटीआई का रहा। हम उस पर नहीं तबसरा करते, लेकिन हमने कभी किसी की राहें रोकी नहीं। सिंध एक पाकिस्तान का हिस्सा है, आजाद हिस्सा है और सूबा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जिस सियासतदान को भी सिंध में सियासत करने का शौक है, आ जाए, आकर किस्मत आजमाए। आवाम फैसला करेंगे कि किसे हक के हुक्मरानी देते हैं। चंडे साहब, आपको अगला वजीर आजम कौन नजर आ रहा है? देखें, अगर मुझे कहेंगे, मेरी नजर जाएगी बिलावल साहब के पास। हम उनके बगैर बिलावल एक तो हो गया बिलावल साहब, सेकंड सेकंड किसको देखते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ख्वाहिश और है, होना और है, ख्वाहिश मेरी बिलावल साहब है। हालात क्या करते हैं वो आगे देखेंगे। चले, जमीनी हकायक को देखते हुए क्या आप अभी से इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि टफ टाइम कौन किसको दे सकता है? देखिए, टफ टाइम देने की बड़ी बातें कर रहे हैं, हम देंगे टफ टाइम, हम देंगे। जियाउल्लाह के जमाने से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जदोजहद में है। वो हर वक्त हुकूमत का आना हो, जदोजहद का करना हो, जेलों में जाना हो, जो भी मरहला आता है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हर मरहले के लिए तैयार होती है। पीपुल्स पार्टी एक खालिस सियासी जमायत है, वो किसी खास फिरके गिरोह की जमायत नहीं, वो पाकिस्तान की जमायत है। हम हर हालात को मुंह देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वक्त ने और कुदरत ने साथ दिया तो हुकूमत के लिए और बहरान से निकालने के लिए भी पीपुल्स पार्टी अपना जो किरदार अदा करेगी। अगर कोई अपोजिशन में रहकर को पीपुल्स को ठीक करने का सवाल है तो भी पीपुल्स पार्टी घबराएगी नहीं। अच्छा, एक नई सियासी जमात बनी है तहरीक के इस्तेहकाम पाकिस्तान, काफी पंछी उर उर के उस जमात में जा रहे हैं, आपका उसके हवाले से क्या ख्याल है? देखिए, मेरे खास मौसम होती है, मौसम में साइबेरिया के पानी पे आते हैं, बड़ा बड़ी रौनक लगाते हैं, बड़ी शिकारगाहें सज जाती हैं, सारे मुल्क दुनिया के लोग आते हैं, रौनकें होती हैं। लेकिन लेकिन जो हकीकी मौसम है वो मौसमों को ही माना जाता है, और वो सियासी मौसम इस मुल्क में जो भी है वो अवाम, अल्लाह और अवाम के हवाले करता है। कई परिंदे आए हैं, पी टी आई भी ऐसी ही आई थी जैसी मुंतशर हो गई है, ऐसे ही परिंदे आए थे उड़ उड़कर, ऐसे ही उड़कर चले गए। जितने मौसमी परिंदे हैं इनसे भरोसा नहीं होता, ये मौसमी परिंदे मौसम के साथ चले जाएंगे। हम सियासी कारकुन हैं, हम परिंदे नहीं हैं, हम हर हाल में खड़े रहते हैं, रुके तो कोई गिरा गया, हम पहाड़ों की तरह खड़े रहे, जेलों के सामने भी और मुसीबतों भी, भागे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं। अच्छा, बहुत सी बातें ये भी हो रही हैं चांडियो साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो चंद बड़े ख़ानदान मैसर हैं जनूबी पंजाब में, उन्हीं की वजह से अब मज़ीद लोग पीपल्स पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी को धचका अगर लगेगा, अगर इन्हें कोई डेंट डालेगा तो यही पार्टी के लोग डालेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर तादाद जनूबी पंजाब से लोगों की है। देखिए, जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक ताकतवर जमायत रही है, रही तो सेंट्रल पंजाब में भी है, लेकिन वहाँ जियाउल्लाह ने और मियां साहब के जमाने ने, मियां साहब भी जियाउल्लाह की छतरी के नीचे जो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते थे वो पहुँचाया। तो पीपल्स पार्टी की अपनी भी सियासी और तंजीमी कमजोरियाँ थी, उसकी वजह से हमारी तंजीम कमजोर हुई है। लेकिन एक जुमला में कहता हूँ और सालों से कह रहा हूँ और मैं आज भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनकी नस्लों ने पंजाब की जेलें देखी हैं, शाही किले देखे हैं, फांसी के तख्तेदार पे गए हैं, उनकी नस्लें और औलादें, उनकी खवातीन की मर्दों की सब जिंदा हैं। पीपल्स पार्टी आज भी एक कुव्वत है, बिलावल साहब निकलेंगे तो साबित हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का तअल्लुक है, मैं उसके लिए कुछ पेशन को नहीं कर सकता। हालात अभी आने वाले हैं, बताएंगे, ये बहरान फैसला करेगा कि कौन बहरान हल कर सकता है, वो इस मुल्क का चुनाव संभाल। आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में हैं या मुहालफत में? हमने कभी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं की, लेकिन अगर वो सियासी जमात हालात ऐसे पैदा कर देगी कि कौमी सलामती दाव पे लग जाए तो जाहिर है हर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। आप अगर कौमी सलामती को दाव पे लगाकर अपनी सियासी कद को बढ़ाना चाहेंगे तो कोई भी मोहब्बे वतन आदमी आपकी हिमायत नहीं करेगा। यही वजह है कि हजारों और लाखों के जुलूस दिखाने के बावजूद
जब उन्होंने पाकिस्तानी कौमी सलामती के अलामतों को गिराना शुरू किया, जब उन्होंने हीरो की तोहिन करना शुरू की, जब उन्होंने पाक फौज के इदारों पर तनसीबात पर हमले करने शुरू किए, वो अब वो कहाँ है, वो लोग कहाँ गए? अब गुम, पाकिस्तान की एक पहचान है, पाकिस्तानी आवाम की ये पहचान है, लाख इख्तलाफ करें लेकिन अपनी सलामती के मामले में, अपनी सलामती और इज्जत एहतराम वाले लायक इदारों के मामले में सौदेबाजी नहीं करते।